ऑफिस है, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन, जो लिटरेचर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने नीली किताबों के रूप में 22 वॉल्यूम्स में छापा, उसको हिंदी में अनुवाद करने का काम हमारे डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन ने किया। कितना फाउंडेशन ने किया, 10 किताबों की 21 किताबें बना दी अंग्रेजी में, इंग्लिश 21 किताबें हैं, उन्होंने 10 की 21 समाजी बना दी। मेरा समाज अभी भी यही समझता है कि 21 का अनुवाद हो गया, और इस गिनती के चक्कर में बाबा साहब की 10 मूल्यवान किताबों का अनुवाद खा गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो अनुवाद खत्म हो गया, बिक गया, बाबा साहब के दीवानों ने उसे झटाझट खरीद लिया, मगर उसका रिजल्ट क्या हुआ, अभी तक पुनर्प्रकाशन नहीं हुआ है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से इस केंद्र में सफेद दाढ़ी का शासन आया है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य कर्मानों पर काली काली पोत दी गई है। ये एक हमारा सवाल है, ये सिद्ध करने के लिए कि जो बाबा साहब को अपना नेता कहते हैं, वो नेता इसलिए कहते हैं, उनके पास कोई नेता है नहीं, इसलिए वो कब्जा कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर पर, इसलिए वो कब्जा कर रहे हैं सरदार पटेल पर। हमारा इनसे कहना है कि तुम्हारे राज्य में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जितनी मूर्तियां पिछले 70 साल में टूटी, उससे 4 गुना मूर्तियां तुम्हारे 3 साल के शासन में टूटी हैं। ये तुम कैसा तुम्हारा अम्बेडकर प्रेम है, तुम अभी तक भी अम्बेडकर को अपने वोट बैंक का आधार समझते हो। आज बहन मायावती ने सबको ललकारा है, सबका आह्वान किया है, इस ताल कटोरा स्टेडियम से एक ऐतिहासिक प्रवचन दे करके सबको कहा है कि अगर इस चाल चरित्र और चेहरे को, इन शासक जातियों के चेहरे को बदलना है, तो तुम्हें अपने पराक्रम से अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानना होगा। आज सारे देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे आरक्षण पर खतरा बना हुआ है, संविधान पर खतरा बना हुआ है, हमारे संगठन को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ तो पहले SC ST कमीशन होता था, अब SC कमीशन अलग हो गया, ST कमीशन अलग हो गया, अब जातियों के नाम पर कमीशन बनाने लगे। ये हरामजादे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमें जातियों में बांट कर रखना चाहते हैं। और हमारे भी कुछ भाई जो जातियों के नाम पर संगठन चला रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वो जाति के नाम पर संगठन ना चला करके जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक वर्ड दिया था, बहुजन, बहुजन का मतलब सारे दलित उसमें आते हैं, सारे आदिवासी उसमें आते हैं, सारे पिछड़े उसमें आते हैं, सारे OBC उसमें आते हैं, और सारे अल्पसंख्यक उसमें आते हैं। हमें अपने पराक्रम से ये साबित करना है, ये अलग अलग जो वर्ग हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये सब भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक की संतान है, सब बहुजन है। जिस दिन हमने इनमें एक कॉमन फैक्टर पैदा कर दिया, इन सबका वोट फिर एक जगह पड़ना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन पड़ने लगा एक जगह वोट, उसी दिन मनुवाद पर होगी सबसे बड़ी चोट। ये अब हमें अपने पराक्रम से सिद्ध करना है, हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से घर घर में जाकर के अपने इतिहास से अपनी पीढ़ी को रूबरू कराने का काम किया है, और अब हर एक व्यक्ति को, चाहे जिसकी जैसी भी कैपेसिटी है, चाहे जिसका जो भी फील्ड है, उसमें मान सम्मान की परवाह मत करना, और भैया पद का लालच बिल्कुल मत करना। आज शांति स्वरूप बोध को आपने बताया, एक प्रसिद्ध समाज सेवी है। अरे आप मुझे प्रसिद्ध कह रहे हैं, मेरे पास तो कोई पद ही नहीं है, मैं बगैर पद के अगर अपना पराक्रम दिखाया है, तो साथियों पदों पर लड़ने वालों सुन लो, अब आप पदों पर लड़ना छोड़ो, और सत्ता के और इस राज मुकुट की और इस पार्लियामेंट को कब्जे करने के लिए दौड़ो। यही एक ऐसा मंत्र है जो जल्दी जल्दी होगा, अभी हम राजस्थान में मिलेंगे। जय भी संविधान के नाम राजस्थान में मिलेंगे 11 मार्च को, और वहां पर भी एक शाम संविधान के नाम, क्योंकि आज संविधान खतरे में है। तो हमारा जो सबसे पहला काम होगा सारे देश को संगठित करने का, संविधान बचाने के नाम पे होगा। मैं यूथ फॉर ब्रिटिश इंडिया का संस्थापक हूँ, मेरे पास कोई पद नहीं है, मगर मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं दिल्ली, मैं नहीं बतला, हम दिल्ली के जवान और दिल्ली के आसपास के जितने भी जिले हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एहसान मानते हैं, उनका आह्वान करेंगे, और दिल्ली में
दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक ऐतिहासिक रन लाएंगे और उसका नाम होगा रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी ही आगामी महीनों में आपको ये कार्यक्रम मिलेगा। और जहाँ जहाँ भी ये मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, याद रखना और फेसबुक पर व्हाट्सएप पर सावधान रहना, उस कार्यक्रम की तारीख मिलते ही खुद भी दौड़ना, अपने परिवार को अपने मित्रों को भी लेकर के आना। फिर हम देखते हैं ये इस देश के मोदी का पजामा गीला होता है या नहीं होता है। हम इतिहास बदलने निकले हैं मगर आपका सबका साथ बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ बिना विवाद सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।